मैं हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल अचार। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज का आलू कटिंग करके रखा है, सीम काट करके इसे भी रखना है टुकड़ों में, मूली कटी हुई, गाजर कटा हुआ, इन सबको पहले उबालना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच गोलकी, दो चम्मच धनिया, दो चम्मच सरसों, आधा चम्मच मेथी, पांच सूखा लाल मिर्च, जवाइन मंगरेला, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सरसों तेल से मिलाने के लिए। तो पहले हम इन सब सब्जियों को पहले उबाल लेंगे करीब 8 से 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, आलू लिया हमने उबालने के लिए, ये सीम, मूली, गाजर, अब इन सभी को पहले उबाल लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसमें पानी डाल करके इसे गैस पे बैठा दिया है 8 से 10 मिनट इसे उबलने के लिए। इस तरह से ढक के छोड़ देना। ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा सब्जी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। ये देखिए, अब मैंने गैस पे पैन रखा है, ये जब गर्म हो जाएगा तब इन सब मसालों को भूंजना है। तो ये देखिए, हमने पानी को इस तरह से छान लिया है, इसे थोड़े देर 8 से 10 मिनट के लिए इसे सूखने देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब ये हमारा पैन गर्म हो चुका है, इसे मीडियम फ्लेम पे इन सब चीजों को भूंजना है। धनिया, ये देखिए जीरा, गोलकी, मेथी, सूखा मिर्च, इन सबको 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। तो ये देखिए, अब ये मसाला अच्छी तरह से भुंजा चुका है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसे मैं पीसने के लिए एक जार में डालूंगी। तो ये देखिए, मैंने सब भुंजा मसाला इसमें डाल दिया है। अब ये सरसों भी इसमें डाल करके इसे नहीं भूनना है, अब इसे पीस लेना है। तो ये देखिए, ये मसाला हमारा भुंजा चुका है। बहुत महीन नहीं पीसना है, इसे हल्का दरदरा पीसना है इस तरह से, ठीक है। अब मैं पैन गैस पे बैठाती हूँ, ये तेल को थोड़ा सा गर्म करना है, फिर ठंडा होने के बाद तब इन सब मसालों को और सब्जियों को मिलाना है। तो ये देखिए, हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें तेल डाल करके इसे थोड़ी देर गर्म करूंगी, 1 से 2 मिनट के लिए। जब ये गर्म हो जाएगा फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे तेल गर्म हो गया है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, तब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा तेल गर्म ठंडा हो चुका है, गर्म था, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें ये सब्जी मिलाना है, इस तरह से सारे सब्जियों को डाल दीजिए। ये नमक, ये हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, ये जवाइन मंगरेला, अब इन सभी चीजों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए, ये मिल चुका है। अब मैं इसमें ये सारा मसाला डाल करके इसे भी फिर मिला लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, अब ये मसाला भी अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब ये हमारा अचार बनके तैयार है। इसे आप 8 से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत स्वाद लगेगा आपको। दाल भात के साथ में, किसी भी चीज के साथ में आप इसे खा सकते। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा अचार बनके तैयार है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।